जय गोपाल के खेत में लहलहाती फसल उसके और परिवार के लिए खुशी का पैगाम लेकर आई है, मगर करीब 4 साल पहले अपनी मौजूदा स्थिति को लेकर उसका कहना था। हमारे यहाँ खेती बाड़ी जो है वो वर्षा के ऊपर ही निर्भर है। कई वर्षों से है बारिश जो कम हो रही है, उस कारण हमें खेती बाड़ी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। किसानों की आमदनी जो है आधी हो चुकी है और हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि हम जो है अपना खुद का जल संग्रहण टैंक जिससे हम अपनी खेती में पानी लगा सके बना सकें। जय गोपाल के समान ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे थे। हमारे पहाड़ी इलाके में बिना बारिश के कोई फसलें नहीं हो रही हैं। कोई बारिश होगी तभी फसलें होगी, बिना बारिश के कुछ नहीं कमा पाएंगे। निराशा की घड़ियों में उम्मीद की किरण बनी महात्मा गांधी नरेगा। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवसों का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस किए जाते हैं, जिसमें कि हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको जागरूक किया जाता है कि कौन कौन से कार्य वो अपने व्यक्तिगत रूप पर जिनका लाभ उठा सकते हैं मनरेगा के अंतर्गत। और अब बात महात्मा गांधी नरेगा के तहत किए जाने वाले कुछ कार्यों की। खेत में बना वाटर टैंक, खेत के किनारों के लिए मेढ़बंदी, फलदार वृक्षों का पौधारोपण, दुधारू पशुओं के लिए शेड, वर्मी कंपोस्ट पिट, धरती का समतलीकरण, फार्म पॉन्ड का निर्माण जैसे कार्य कमजोर वर्ग के निर्धन किसानों के लिए उनकी कृषि भूमि पर किए जाते हैं, ताकि उनकी कृषि संबंधी समस्याओं का निदान हो सके। ग्राम पंचायत की सभा के समय जब गोपाल ने अपनी समस्या को पंचायत के सामने रखा और वाटर टैंक की जरूरत बताई, तब ग्राम सभा के सदस्यों ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। पंचायत द्वारा उसे बताया गया कि उसकी ये समस्या महात्मा गांधी नरेगा से हल हो सकती है, इसके लिए उसे लिखित में आवेदन करना होगा। जय गोपाल ने ऐसा ही किया। तब पंचायत समिति के द्वारा उसके आवेदन को अनुमोदित कर ब्लॉक स्तर पर उचित कार्यवाही के लिए भेजा गया। महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्रार्थी के आवेदन पर पंचायत समिति के अनुमोदन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण किया जाता है। किए जाने वाले कार्य के लिए क्षेत्र की पैमाइश और खर्च आदि का आकलन किया जाता है। लाभार्थी के साथ कार्यस्थल की जियो टैगिंग की जाती है और फिर संबंधित स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ किया जाता है। कार्य पूरा होने पर पूरे किए गए कार्य का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत जय गोपाल के खेत में वाटर टैंक का निर्माण कार्य 91,700 व्यय राशि के साथ संपूर्ण हुआ और जिंदगी की कहानी बदल गई। जब से नरेगा के तहत हमें टैंकों के लिए पैसा उपलब्ध हुआ है और हमारे जो टैंक बने हैं, तो हमारी खेती में सिंचाई जो है समय पर होती है और हमारी जो फसल है वो दुगनी हो गई है, जिससे हमें इनकम में बढ़ोतरी हुई है और हम जो है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं और मेरा परिवार भी बहुत खुश है। क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के निदान के लिए जल संग्रहण क्षेत्रों के निर्माण भी किए गए हैं। कच्ची कूलों की मरम्मत कर उन्हें पक्का किया जा रहा है, ताकि सिंचाई का जल जरूरतमंद किसानों के खेतों तक पहुंच सके। ये मनरेगा में इरिगेशन कूल बन रही है, आगे 25 से 30 बीघा जो जमीन है उसमें सिंचाई के लिए पानी इसके थ्रू जाएगा। कच्ची कूल तो पहले से थी बट उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी, जितना पानी फसलों के लिए चाहिए होता था उससे कम मात्रा में पानी वहाँ पर पहुँचता था। तो अब पक्की कूल बनने से यह है कि प्रॉपर मात्रा में फसलों के लिए पानी अवेलेबल होगा और जो पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी। इससे और अब बात एक बार फिर बानी गांव के किसान शीतल सिंह की। महात्मा गांधी नरेगा से शीतल सिंह के खेत में भी 70,000 रुपए के व्यय के साथ वाटर टैंक का निर्माण किया गया और आज शीतल सिंह के खेत बदलाव की नई दास्तान बयां कर रहे हैं। इसी को लेकर शीतल सिंह का कहना है, पहले तो आमदनी कुछ नहीं थी, कोई कमाने का कोई ढंग नहीं था, कोई फसलें नहीं आती थी। नरेगा के टैंक की वजह से हमारे परिवार सब मिलकर बहुत खुश हो रहे हैं
हमारी फसलें दुगनी हो रही हैं और हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है, कुछ आमदनी बढ़ रही है। ये दास्तान जय गोपाल, शीतल सिंह या कुछ एक किसानों तक ही सीमित नहीं है। सोलन जिले के विभिन्न ब्लॉक में ऐसे ही सिंचाई संबंधी कार्यों के संपादन से न केवल जरूरतमंद निर्धन किसानों की जिंदगी में बदलाव आया है, क्षेत्र की हरियाली भी बढ़ी है। कुल मिलाकर बदलाव की ये स्थिति क्षेत्र में खुशहाली का प्रतीक है।